नमस्कार, सुस्वागतम, आभार, अभिनंदन। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, आप सभी स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें और सदा माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि महाशिवरात्रि का पर्व आप सभी भक्तों के लिए जीवन में खुशियाँ लेकर के आए और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। प्रिय साथियों, आप सभी कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट में जय माता की भी जरूर लिखें। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे घर के मंदिर से जुड़ी हुई। जी हाँ, आज के इस एपिसोड में मैं आपको कुछ एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जो अगर आप अपने घर के मंदिर में रखते हैं तो आपको सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है। साथियों, हमारी कोशिश रहती है कि आप सभी भक्तों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर के आए जाएं, अच्छे से अच्छी विषय वस्तु लेकर के आई जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर किया करें, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तभी हमें कहीं ना कहीं पता चल पाता है कि जो एपिसोड हम आपके लिए लेकर के आते हैं वह एपिसोड आपको पसंद आए हैं। तो इसलिए एपिसोड को लाइक जरूर करें अगर आपको अच्छे लगते हैं। आज के एपिसोड की अगर हम चर्चा करते हैं तो आज मैं आपको ऐसी चीज बताऊंगा जो आपको अपने घर के मंदिर में जरूर रखनी चाहिए। जी हाँ, अक्सर हमारे पास कई सारे भक्तों के प्रश्न आते हैं कि घर के मंदिर में किस तरह से हम देवी देवता की फोटो रखें, या घर के मंदिर का मुख किस तरफ हो, घर में किस तरफ बैठ करके हमें पूजा करनी चाहिए। ये सभी प्रश्न हमारे पास लगातार आते रहते हैं और हम समय समय पर उन प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि घर का जो मंदिर होता है कई बार वो सही डायरेक्शन में नहीं होता, या घर के जो मंदिर की दिशा होती है वह सही दिशा नहीं होती, और ऐसी स्थिति में वास्तु दोष बनने लग जाता है या और भी कई तरह के नेगेटिव रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। तो आज मैं आपको जो कार्य बताने वाला हूं, आपको यह कार्य अपने घर के मंदिर में करना है, और अगर आप इस कार्य को करते हैं, इस काम को करते हैं, तो आपको हर प्रकार से की जाने वाली पूजा का फल जरूर प्राप्त होगा। जी हाँ, तो आज के एपिसोड को शुरू करने से पहले जो भी हमारे साथी पहली बार पंडित नितिन शास्त्री चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि ज्योतिष से जुड़ी सारी जानकारी, व्रत त्योहार से जुड़ी सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो चलिए अब भगवान भोलेनाथ को नमस्कार करते हुए आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युरमोक्षीयमामृतातोम नमः शिवाय। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं घर के मंदिर के बारे में। कई बार हमारे पास बहुत सारे साथियों के प्रश्न आते हैं, हमारे पास कई फॉलोअर्स के प्रश्न आते हैं कि हमारे जो घर का मंदिर है उसकी डायरेक्शन सही नहीं है, या कई बार जगह का अभाव होने के कारण, या कई बार जिनको पता नहीं होता अनजाने में जो मंदिर होता है कहीं ना कहीं वो अगर गलत दिशा में आप बनाएं, या उसका जो मुख है अगर वो गलत दिशा में करें, तो कहीं ना कहीं इसके नेगेटिव रिजल्ट मिलने लग जाते हैं। ऐसे में घर की सुख शांति भंग होने लगती है, घर में बहुत प्रकार की समस्याएं आने लगती हैं, या ये कह लीजिए कि अगर घर का जो मंदिर है अगर उसकी दिशा सही नहीं होगी तो ऐसे में जो पूजा पाठ आप करेंगे, जो भगवान की भक्ति आप करेंगे, कहीं ना कहीं उसका पूर्ण फल आपको नहीं मिल पाता। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं उस काम के बारे में, अगर आप इस काम को करते हैं तो इसके करने से अगर आपके घर का मंदिर गलत दिशा में है या किसी तरह का कोई दोष है तो इस कार्य के करने से वे सभी दोष समाप्त हो जाते हैं और भगवान का शुभ आशीर्वाद आपको प्राप्त होने लग जाता है। अब मैं आपको उस कार्य के बारे में बताता हूं। आपने एक तांबे का पात्र लेना है। जी हाँ, बाजार से आप नया पात्र खरीद कर लेकर के आए।
तांबे की गड़वी भी आप ले सकते हैं या तांबे का अन्य कोई पात्र भी आप ले सकते हैं। आपने इस तांबे के पात्र में शुद्ध जल भर करके अपने घर के मंदिर में रखना है। जी हाँ, अब मैं आपको ये बताता हूं कि आपने कब रखना है। आपने हर सुबह तांबे के पात्र में साफ जल भरना है, घर के मंदिर में रखना है, जिस समय सुबह आप पूजा करते हैं। उसके बाद आपने उस जल को अगले दिन सुबह पूजा करने से पहले बदलना है। उस जल को आपने बाहर किसी भी फलदार वृक्ष की जड़ में दे देना है। जो फल वाला वृक्ष होता है उसकी जड़ में आपने उस जल को दे देना है और उसके बाद ताजा जल, साफ जल दोबारा भर करके अपने घर के मंदिर में रख देना है और फिर अगली सुबह उस जल को फलदार वृक्ष की जड़ में दे दें और अगले दिन दोबारा जल भर करके अपने घर के मंदिर में रख दें। यह कार्य अगर आप अपने घर के मंदिर में करते हैं तो इसके बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट, शुभ परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप यह कार्य करते हैं तो इससे अगर आपकी घर की मंदिर की जो दिशा है वह गलत है तो उसका भी नेगेटिव रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। अगर अन्य किसी प्रकार का कोई दोष बन रहा है वे दोष भी समाप्त हो जाते हैं। और इसके साथ साथ घर के मंदिर में पानी का लोटा भर कर रखने से घर में किसी भी तरह की कोई बुरी शक्ति नहीं आती, सदैव देवताओं की कृपा बनी रहती है, सदैव भगवान का शुभ आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहता है। अगर आप अपने घर के मंदिर में साफ पानी का लोटा भर करके हमेशा रखते हैं तो ऐसा करने वाले परिवारों में कभी भी दरिद्रता नहीं आती और कभी भी आपका किसी भी तरह का कोई बुरा नहीं होता और सदैव भगवान आपकी रक्षा करते हैं। तो इसलिए आपको भी अपने घर के मंदिर में सदैव पानी का लोटा भर करके जरूर रखना चाहिए। प्रिय बंधु जनों, आपको आज का यह एपिसोड कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर एपिसोड से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना वह प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर एपिसोड पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों से आज्ञा लेता हूं। आप इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सदैव माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयकारा शेरों वाली का बोल साचे दरबार की जय।